जैन दोस्तों, आज मैं आपको साइंस ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन कराने जाने वाला हूं और इन सारे क्वेश्चन को कराने के साथ साथ मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी मैं दूंगा और बहुत ही सरल भाषा में दूंगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है उस वीडियो को पूरा देखें और इन सारे क्वेश्चनों के बारे में ध्यान से देखें, ध्यान से जानें। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विद्युत आवेशों इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसने दिया था, किसके नियम से दिया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों कूलाम के नियम, कूलाम के नियम से। यहाँ फैराडे, लाप्लास या गॉस नहीं होगा क्योंकि यहाँ कूलाम दिए थे। और आप एक चीज़ और जान लें कि जो चार्ज जो होता है यानी इलेक्ट्रिक आवेश जो होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है वो भी कूलाम ही होता है। क्या होता है? कूलाम ही होता है। तो बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखिए, कन्फ्यूज़न करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको बता दूँ इन चारों ऑप्शन जो है वो बहुत क्लोज होते हैं। एग्जामिनेशन में इसलिए लड़का नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास तो आंसर दिया होता है फिर भी वो नहीं कर पाता है। कारण क्योंकि सारे जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत नज़दीकी होते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कम से कम दो में। इसके वजह से, दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होने की वजह से वो नहीं किसी सही पर टिक कर पाता है। आप समझ सकते हैं कि आपको यही सब क्वेश्चन के वजह बदौलत आपको नौकरी दिया जाता है। तो इन सारे ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 2 × 10⁻²⁰, जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अगला सवाल है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए और उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तब अगर दो जो चार्जेस है, ठीक है, मान के चलिए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो यदि दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हम एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो F होता है यानी बल होता है वो चार्जेस का कितना होता है, Q1 Q2/r². एक्चुअली ये बराबर नहीं होता है, ओके, ये बराबर ना होके समानुपाती में होता है कि F जो है वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2/r². ठीक है, हाँ, इसको यहाँ से एप्सिलॉन, इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लेते हैं, जो कि अभी आपको इस सवाल के लिए नहीं जानना है। ठीक है, तो F जो होगा वो इतना होता है, यानी कि उन दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर ये जो R जो है, R का वैल्यू को अगर आप दुगुना कर दे रहे हो, ठीक है, 2 times बढ़ा दे रहे हो, तो 2² कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसका आपको इससे क्या हो जाएगा कि जो उनके बीच का जो बल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू, जब आप निकालेंगे तो 1/4 εr² तो ज्यों का त्यों रहने वाला है, 1/4 εr², ये होता है इस का नियतांक होता है। तो और Q1 Q2 तो सेम है, बस उसकी दूरी को जब डबल हम लोग कर रहे हैं तो उसके जो बल लगने वाला होता है वो हो जाएगा 1/4 times। ओके, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आशा करते हैं कि आप इस तरह के जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है उसको आप इजीली से समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपको इसके विषय में एक डिटेल में वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, एसआई मात्रक पूछा है और आपको बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही एसआई मात्रक और विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला को पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जामिनेशन में। तो आपको एसआई मात्रक तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे आप तो ई इज इक्वल टू होता है, अच्छा ये एक सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई इज इक्वल टू होता है कि एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट,
ओके, तो एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है, आप देख सकते हैं कि फोर्स का जो एसआई मात्रक होगा न्यूटन होगा, और क्यू जो है वो चार्जेस है, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला नंबर। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, 8-10 मिनट का वीडियो बनेगा, कुछ क्वेश्चन को मैं इसमें डिटेल्स में करा रहा हूँ, सो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें। अगला सवाल है हमारा इस तरह से कि एक धनावेश को, यानी कि एक इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव चार्ज है उसको निम्न विभव से, ओके, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ले जाया जाता है, तो आवेश का जो स्थिति ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा। ऑब्वियसली ये बहुत ही आसान सवाल है कि अगर लो से हाई में जा रहे हैं तो उसका क्या होगा, बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इस सवाल का आंसर बढ़ेगा होगा, तो मैं भी आपसे कहूँगा कि आप मेरे लाइक को बढ़ा दें, आप जो लाइक करते चाहें वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरे जो इनक्रेजमेंट है, मेरा जो प्रेरणा है वो बढ़ता है, मुझे प्रेरणा मिलता है, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और इससे क्या होगा कि एक अगर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, उसको अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ले जाते हैं तो उसका आवेश का जो स्थिति ऊर्जा होगा वो बढ़ेगा। अगला सवाल है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर अगर हम ले जा रहे हैं तो उस निकाय के, है ना, यानी कि उस जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम का जो स्थिति ऊर्जा वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ता ही है, क्या होता है, ये भी बढ़ता ही है। एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जा रहे हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डेफिनेटली बढ़ता ही है। ये सब क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा जानने का नहीं है, इसलिए मैं सबको स्किप करूँगा। जहाँ ज़्यादा जानने का रहेगा, जिससे रिलेटेड फैक्ट रहेगा, जानकारी रहेगा, वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ अब देखिए सातवां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ओहो, सदिश राशि, अच्छा, इलेक्ट्रिकल डायमेंशनल और इलेक्ट्रिकल डायमेंशन बोल रहे हैं, फिजिकल डायमेंशन और जो एसआई मात्रक होता है कोई भी राशि का, कोई भी क्वांटिटी का एसआई मात्रक के साथ साथ उसको सदिश और अदिश वाला क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देख सकते हैं, पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पे इन चारों जो है उसमें से सभी गलत हो जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही जो है वो क्या है, वो आपका एक सदिश राशि है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक विभव यानी भी तो है ही नहीं, आवेश है भी नहीं, और आवेश का पृष्ठ घनत्व तो भी नहीं है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। अगला सवाल है हमारा कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। अच्छा, मात्रक कहने का मतलब यहाँ एसआई मात्रक ही है, तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है, क्या होता है, फैराडे ही होता है। वोल्ट न्यूटन तो होता नहीं है, एम्पियर तो धारा का होता है, ठीक है, तो क्या होता है, फैराडे होता है। अगला है कि दो आवेशित वस्तु को जोड़ने पर, कोई भी दो को आवेशित वस्तु है उनको जोड़ रहे हैं, तो उनके बीच जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। अगर उसमें समान आवेश है, उसमें समान धारिताएं हैं, समान विभव है या प्रतिरोध समान है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा समान विभव। इसको आप जब भी इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर खोलेंगे तो तुरंत आपको टंकी और पानी वाला का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाएगा, और इसी में आपको इलेक्ट्रिक विभव का बारे में उसी से कंपेयर करके बताया जाता है कि अगर समान डिस्टेंस पर, समान ऊंचाई पर अगर पानी रखी हो तो उससे पानी का फ्लो नहीं होगा, जबकि अगर उसको हाई एल्टीट्यूड दिया जाए, किसी को लो एल्टीट्यूड दिया जाए तो उससे पानी फ्लो होता है। इसी तरह से विभव भी है कि चार्जेस भी है, चार्ज का फ्लो भी विभव पर ही डिपेंड करता है। जब तक से विभव में अंतर नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इसीलिए अगर हम कोई दो को वस्तु को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं, जो कि दोनों ही वस्तु क्या है, आवेशित तो वस्तु है, तो उनके बीच का जो है वो इलेक्ट्रिक करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक दोनों के बीच का जो है वो विभव
अलग नहीं होगा, विभव में अंतर नहीं होगा। अगर विभव समान है तो उससे करंट नहीं बहेगा। अगला सवाल है हमारा कि तीन संधारित्र हैं, संधारित्र मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, ठीक है, तीन संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, सभी की सी है, और वो सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उसका तुल्य प्रतिरोध यानी एक्चुअल जो वो धारिता है, प्रतिरोध नहीं, एक्चुअल जो धारिता है वो कितनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब हम धारिता की बात करते हैं यानी संधारित्र की बात करते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, तो उसमें रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का जो संयोजन होता है, प्रतिरोध का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि अगर हम सीरीज में जोड़ रहे होते हैं, सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो उसमें 1/2 वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, 1/2 वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसमें सीधा और सीधा वाला फॉर्मूला आएगा। यही चीज़ जो होता है वो इसमें प्रतिरोध में उल्टा होता है। प्रतिरोध में क्या होता है कि अगर उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो सीधा सीधा होता है, 1/R1 + 1/R2, और यही अगर हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो इसीलिए जो एक अभी मैं आपको इसका बताऊंगा कि अगर प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जुड़ा है तब उसका कितना होगा। तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, सपोज कीजिए कि 1/C उसका जो है वो टोटल वाला है, ठीक है, तो सभी का C है, 1/C + 1/C + 1/C। आप जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो इधर तो C का C आने वाला है और इधर 3 हो जाएगा ना, 1 1 1 3 हो जाएगा। तो अभी 1/C, तो C टोटल बराबर अगर हम निकालेंगे इसमें तो C/3 हो जाएगा। देखिए ना, 1/3 है, 3/C है, वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो C टोटल कितना हो जाएगा, C/3। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, C/3, ठीक है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, बस आज 15 सवाल हम लोग कर लेते हैं। संधारित्रों के या ना कैपेसिटर के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या है। तो वो जो होता है वो होता है विभवांतर। विभवांतर में कोई चेंजेस नहीं होता है, आवेश तो चेंज हो जाएगा, ऊर्जा भी चेंज हो जाएगा, धारिता भी तो चेंज होता ही है, अभी मैंने आपको धारिता चेंज करके दिखाया। तो एक ही चीज़ होता है जो है विभवांतर, विभवांतर जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि विद्युतीय प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। देखिए, इसमें विद्युतीय प्रतिरोध यानी R नहीं पूछा है, इसमें रो के बारे में पूछ रहा है कि रो का SI मात्रक क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला बताऊंगा कि R जो होता है वो रो L/A के रूप में होता है, यानी R का जो वैल्यू होगा वो L/A का समानुपाती होता है, और समानुपाती को हटाने के लिए रो लिया जाता है, और इसी रो को जो है वो विद्युत प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोधकता। अगर आप इस विद्युत प्रतिरोधकता का अगर SI मात्रक निकालेंगे तो आपको मिलेंगे ओम मीटर। क्या मिलेंगे, ओम मीटर। आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ कि R इज इक्वल टू होता है ρ × L/A। अगर आप रो को इधर से मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो ये तो हो जाएगा R इज इक्वल टू RA बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ρ L, ओके, और इधर से अगर हम इसको L को डिवाइड करेंगे तो ये इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो विद्युतीय प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए, R का क्या होता है ओम, A का क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, और L भी तो लंबाई ही है, तो ये भी तो मीटर होगा। एक मीटर से मीटर जब यहाँ कट जाता है तो बचता है ओम मीटर, ठीक है। इस तरह से आप खुद भी SI मात्रक निकाल सकते हैं, इसलिए आप SI मात्रक निकालने वाले तरीके को समझ जाए, उसके फॉर्मूला से ही SI मात्रक निकाला जाता है, और यहीं से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला जाता है। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, पहला वाला ओम मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर कि आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध क्या प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये जानना होगा कि अगर कोई भी हमको प्रतिरोध मिलता है तो अगर हम उसको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में ही संयोजन करते हैं तभी जाके हमको उसका जो प्रतिरोध है वो न्यूनतम प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज अगर हम उसको सीरीज में करेंगे तो उससे हमारे को न्यूनतम नहीं मिलेगा बल्कि अधिकतम मिल जाता है, ठीक है।
तो आप जो है इसको निकालने के लिए आप सोच सक देख सकते हैं कि तीन गो प्रतिरोध दिया हुआ समान समान एक एक ओम का, ठीक है। तो कोई भी तीन गो प्रतिरोध दे देता है, तो अगर हम उसको 1/R1 1/R2 करके अगर हम निकालते हैं तो उसमें आपको मिलेगा कि 1/3 के आसपास उसका जो प्रतिरोध होगा वो मिलेगा, तभी जाके वो सबसे न्यूनतम होगा, क्योंकि एक प्रतिरोध है। कोई किसी को भी अगर आप एक एक ना मान के R1 R2 अगर आप मानेंगे R1 R2 + R3 तब भी आपको मिलेंगे 1/3, ठीक है। तो इस तरह से आप 1/3 निकालेंगे, अगर आप उसको पैरेलली अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेंगे 1/3 ओम का, जो कि एक एक ओम का है, इससे आपको न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। अगला सवाल है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, बच्चों वाला सवाल है, 10 क्लास का सवाल है, ठीक है। और इसका सवाल जो है वो क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। अगला सवाल जो है वो आखिरी सवाल है इस वीडियो का मेरा, कि एक ही पदार्थ के बने दो तारों, ठीक है, ए तथा बी की लंबाई समान है, यानी एल जो है वो बराबर है, ठीक है, एल जो है वो दोनों का बराबर है, क्या क्या किसका किसका, ए और बी का, एल दोनों का बराबर है। ए का व्यास बी से दोगुना है, लेकिन व्यास जो है वो दोगुना है, मान के चलिए अगर एल का ए है, ए का अगर ए इतना है तो वो उसका इतना ज़्यादा व्यास है, ठीक है। तो ए और बी के प्रतिरोध में कितना तुलना होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बहुत बार पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं जब व्यास जब दोगुना हो रहा है, व्यास को अगर हम दोगुना कर रहे हैं तो उसका आर भी तो दोगुना हो रहा है, आर भी तो 2 times बढ़ रहा है, तो 2 times बढ़ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो आर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है, यानी ए जो है वो बढ़ता है, यहाँ पे ए बढ़ेगा। एरिया अगर हम निकालेंगे कि इसका प्रतिरोध का, जो कि आर जो है वो दोगुना हो जा रहा था, तो अगर पहले एक था तो वो दोगुना हो जा रहा था, यानी कि दोगुना हो जा रहा था, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर का ये हो जाएगा, तो उसका जो प्रतिरोध क्या हो जाएगा वो चौथाई में हो जाएगा, उसका चौथाई प्रतिरोध तुलना हो जाएगा, 1/4 का वो उसका हो जाएगा, ए और बी का जो तुलना होगा वो चौथाई का तुलना में होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना तक ही रखते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी मिल जाएंगे, PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बूस्ट करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।